हेलो एलकेजी, देखिए बेटा आपकी ये बुक है प्री प्राइमर की, ठीक है। इसमें पेज 18 आप ओपन करिए। आपको कराया जा चुका है लेकिन फिर भी आप ओपन करिए, मैं बताती हूँ क्या करना है। ये पिक्चर्स बने हुए देख रहे हैं पेज नंबर 18 पर। ये एक बच्चा है, इसका नाम सैम है, और ये क्या बनी हुई है, कार। ठीक, ये कार पता किसकी है, सैम की है। सैम के पास क्या है, एक कार है। यहां देखिए क्या बना है, ये कैट देख रहे हो, कैट ने किसको पकड़ा हुआ है, चूहे को। चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हो, RAT, रैट। माउस भी कहते हो, रैट भी कहते हो। तो कैट ने किसको पकड़ा है, रैट को पकड़ा। ठीक, अब इधर देखो, ये एक आदमी है, आदमी को मैन कहते हैं इंग्लिश में, MAN, मैन। ये मैन बैठा है, सेट यानी बैठा, कहाँ बैठा है, मैट पर। एक आदमी मैट पर बैठा था, मैट में चटाई होता है ना, जमीन पे बिछाई जाती है मैट ना, तो मैं अ मैन सेट यानी मैन बैठा था कहां पे, मैट पर। ये फिगर देखिए, ये हैट देख रहे हो ना, हैट में कौन घुस के बैठा है, रैट। ठीक, अब हम लोग रीडिंग करेंगे। ये 1 2 3 4 फोर सेंटेंसेस हैं, इसको रीडिंग करेंगे। फिल पहले ही हो चुका है और आप लोग ये पूरे यानी ऑल दी फोर सेंटेंसेस यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आपको अपनी कॉपी में राइटिंग करना है इन फोर सेंटेंसेस की, ठीक है। फिगर आप इसमें देख लिए, ठीक है, समझ गए, ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस बन रहा है बेटा, इस सेंटेंस को आप राइटिंग करेंगे कहाँ, अपनी कॉपी में। और वो कॉपी चेक होने को आएगी, जो नहीं राइटिंग करेगा उसके 6 मंथली एग्जाम में नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, SAM, सैम, बोलो बोलो जोर से बोलो, SAM, सैम, HAS हैज अ CAR कार। सैम हैज अ कार, सैम के पास एक कार है। आगे चलिए, अ CAT कैट, CAUGHT कॉट, अ RAT रैट। देखो कैट मींस बिल्ली मालूम है तुम लोग को, रैट मींस चूहा भी मालूम है, कॉट मींस पकड़ा, कॉट मींस पकड़ा। अ कैट कॉट अ रैट, कैट ने रैट को पकड़ा, ठीक है। रीडिंग करिए फिर से, अ कैट कॉट अ रैट, बार बार रीडिंग करिए बेटा वीडियो सुन करके। अब देखिए, अ MAN मैन, SAT सेट। मैं बोल के रुकती हूं तो आप बोलिए, ओ एन ऑन, ओ MAT मैट, अ मैन सेट ऑन अ मैट। एक आदमी ऑन अ मैट यानी मैट पर, सेट यानी बैठा, एक आदमी मैट पर यानी चटाई पर बैठा। फिर से रीडिंग करिए, अ मैन सेट ऑन अ मैट। आगे देखिए, अ कैट कॉट अ रैट, कैट यानी बिल्ली, सॉरी ये मैं रीडिंग करा चुकी हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अ कैट कॉट अ रैट यानी बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब लास्ट वन, द रैट सेट
आई एन इन टी ओ टू इन टू एच ए टी हैट, एक रैट हैट में बैठा, ठीक है। द रैट सैट इन टू अ हैट। बार बार वीडियो सुन के आप रीडिंग करेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा? जो इसमें ब्लैंक है, जिसको आपने बाद में फिल किया है, वैसे ही एग्जाम में आएगा। पिक्चर बना रहेगा, लिखा रहेगा सैम हैज अ, सैम के पास है क्या है? कार। तो आपको फिल करना पड़ेगा कार। इसलिए बार बार सेंटेंस को आप रीडिंग करिए बुक देख के, एंड यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। आपको ये फोर सेंटेंसेस कॉपी में राइटिंग भी करना है रीडिंग करते हुए, ओके? यही आपका होमवर्क है बेटा।